the presentation ceremony of the Ashok Chakra. Confer awards to its soldiers for gallantry, the Ashok Chakra. Havaldar Hangupandada, Assam Regiment, 35th Battalion, Rashtri Rifles, Marnoparant. छब्बीस मई 2016 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सेना के ठिकानों से जब आतंकवादियों का संपर्क टूट गया तब हवलदार हंगपन दादा को अपने दल के साथ आतंकवादियों को पकड़ने का दायित्व सौंपा गया। अपने विवेक और समझ से पूर्व कमांडो दुर्गम बर्फीले ऊंचाई वाले क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे आतंकवादी अचंभित रह गए। आतंकवादियों द्वारा भारी और अचूक गोलीबारी से दल के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया गया। अपनी सुरक्षा के बिल्कुल भी परवाह किए बगैर हवलदार हंगपन दादा एक ओर सरक कर पत्थरों और बोल्डरों के पीछे छिपे आतंकवादियों के बहुत नजदीक गए, जिसके कारण उनके साथियों की जान बच गई। अनुकरणीय साहस और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दो आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। इस गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बिना उन्होंने बचे हुए आतंकवादियों का पीछा किया। तभी उनका सामना तीसरे आतंकवादी से हुआ, जिसे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान करने से पहले हाथापाई में मार गिराया। इस प्रकार हवलदार हंगपन दादा ने ऑपरेशन के दौरान तीन आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई से चौथे आतंकवादी का भी सफाया हो सका। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चेतन लोवंग दादा। It's at moments like this that time stands still. India's highest peacetime gallantry award, the Ashok Chakra, presented posthumously to Havildar Hangpan Dada.